दिसंबर 2019 में चीन के एक इलाके में निमोनिया के कई मामले देखे गए। जांच से पता चला कि इसकी वजह एक अज्ञात वायरस है, जिसे 2019 नोवेल कोरोना वायरस का नाम दिया गया। इस बात का ध्यान रखें कि वर्तमान में जो भी जानकारी इस वायरस के बारे में उपलब्ध है, वह निकट भविष्य में बदल सकती है। कोरोना वायरस बहुत सारे वायरसों का एक बड़ा समूह है, जिसका कोर एक जेनेटिक मटेरियल से बना होता है। यह कोर कांटेदार प्रोटीन के कवच से घिरा होता है, जो इसे एक मुकुट या क्राउन जैसा आकार देता है। मुकुट को लैटिन भाषा में कोरोना कहा जाता है, और यहीं से इस वायरस को अपना नाम मिला। कोरोना वायरस अलग अलग प्रकार के हैं, जो श्वसन व कभी कभी पेट से जुड़ी बीमारियों के लक्षणों की वजह भी बनते हैं। श्वसन रोग सामान्य सर्दी से निमोनिया तक हो सकता है। ज्यादातर लोगों में इसके लक्षण काफी साधारण होते हैं। हालांकि कोरोना वायरस के कुछ प्रकार हैं जो गंभीर बीमारी का कारण बनते हैं। इनमें सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस शामिल है, जिसे पहली बार 2003 में चीन में पहचाना गया था, और मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, जो पहली बार 2012 में सऊदी अरब में पहचाना गया था। 2019 में नोवेल कोरोना वायरस की पहचान सबसे पहले चीन में हुई थी। यह वुहान शहर में निमोनिया से पीड़ित लोगों के एक समूह में सबसे पहले देखा गया, जो समुद्री भोजन और जीवित पशुओं के बाजार से जुड़े थे। तभी से यह बीमारी संक्रमित व्यक्तियों से उनके परिवार के सदस्यों व स्वास्थ्य कर्मचारियों में फैलना शुरू हुई। वर्तमान में ऐसे कई मामलों के साथ यह बीमारी चीन के साथ साथ कई अन्य देशों में भी फैल चुकी है। तो वायरस आया कहां से? यह ज्ञात है कि कोरोना वायरस जानवरों के एक समूह में पाया जाता है। कभी कभी यह वायरस जानवरों से मनुष्यों तक भी आ सकता है। इसे स्पिल ओवर कहा जाता है, और ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे वायरस में म्यूटेशन या मनुष्यों और जानवरों के बीच संपर्क में वृद्धि। उदाहरण के लिए ऊंट से मेर्स सीओवी, MERS-CoV और सीवेट कैट से सार्स सीओवी, SARS-CoV का संक्रमण। 2019 में नोवेल कोरोना वायरस किस जानवर से उत्पन्न हुआ, यह अब तक ज्ञात नहीं है। यह कैसे फैलता है? इसके फैलने की सटीक वजहों का अभी पता लगाया जाना बाकी है। आमतौर पर श्वसन संबंधी वायरस संक्रमित व्यक्ति द्वारा खांसने, छींकने जैसी क्रियाओं से उत्पन्न बूंदों द्वारा फैलते हैं। नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो जानवरों के करीब रहते हैं, जैसे पशु बाजार में काम करने वाले, संक्रमित व्यक्ति की देखभाल करने वाले जिनमें रोगी के परिजन व स्वास्थ्य कर्मी भी हो सकते हैं। तो यह बीमारी देखने में कैसी है? अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसके लक्षण सामान्य से गंभीर भी हो सकते हैं। बुखार और श्वसन संबंधी लक्षण जैसे कि खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ज्यादातर गंभीर मामलों में निमोनिया, किडनी फेलियर और मृत्यु भी हो सकती है। मृत्यु दर का पता लगाया जाना अभी बाकी है। किसी के संक्रमित होने का कैसे पता लगाया जा सकता है? PCR या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नामक जांच से संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। यह टेस्ट जेनेटिक फिंगरप्रिंट तकनीक के आधार पर पहचान करता है। इस वायरस के लिए अब तक कोई औषधि उपलब्ध नहीं है, और देखरेख करना इसका एक ही उपाय है। अब तक इस वायरस के बचाव के लिए कोई टीका भी विकसित नहीं हुआ है। टीके और इलाज की खोज अभी जारी है। वायरस के संक्रमण को कैसे रोका जाए? अब तक इस नए वायरस का संक्रमण एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में ही हुआ है। हालांकि वायरस संक्रमण एवं इसके फैलाव से बचाव के कई तरह के मानक स्वच्छता उपाय सुझाए गए हैं। इनमें प्रमुख है छींकते वक्त मेडिकल मास्क, टिश्यू या कोहनी से अपने मुंह व नाक को ढकना, बीमार व्यक्तियों से दूरी बनाना, मास्क एवं निजी सुरक्षा उपकरणों का सही उपयोग, विशेष तौर पर अस्पतालों में, हाथों को साबुन और पानी से धोना
या अल्कोहल आधारित हैंड रब का उपयोग। पशुओं से होने वाले संक्रमण से बचाव के लिए क्या किया जाए? पशुओं से अनावश्यक एवं असुरक्षित संपर्क से बचें। पशुओं या पशु उत्पादों को छूने के बाद साबुन से हाथ धोएं और खाने से पहले खाए जाने वाले पशु उत्पादों को अच्छी तरह से पका लें। बीमार होने पर घर पर रहना उचित है, लेकिन यदि आपको कफ या सांस लेने में तकलीफ हो तो इलाज के लिए जल्दी करें एवं अपने डॉक्टर को अपनी पूर्व यात्राओं से अवगत कराएं। यह उभरती हुई नई संक्रामक बीमारी के बारे में संक्षिप्त जानकारी है। लगातार बदलते घटनाक्रम के साथ इस वायरस के बारे में जानकारियां बदल सकती हैं। ताजा जानकारी के लिए नीचे दी गई वेबसाइट देखें।